नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर हमने काफी बड़ा अच्छा मूव आते हुए देखा। खास करके अगर सोने चांदी की बात करें या एमसीएक्स बुलटेक्स की बात करें तो 14,065 के करीब खुलने के बाद हमने बड़ी गिरावट देखी, जो 13,780 तक पहुंच गया था। जॉब डेटा, ईडीपी का जो डेटा था वो अच्छा आने के बावजूद एक्सपेक्टेशन के बिलो होने की वजह से प्राइजेस में एक बड़ा उछाल आया, जो 14,190 का लेवल पार करके 14,180 के करीब जाके क्लोज हुआ। शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहा है जो ये हफ्ते में भी कंटिन्यू रहेगा। वहीं एमसीएक्स मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट काफी सुस्त था। सोने चांदी में ओवरऑल 2% की तेजी, गोल्ड में जिस ढंग से कोरोना के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। और इंटरनेशनल में भी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में भी थोड़ा ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो बेस मेटल के दबाव के चलते चांदी 0.5% की तेजी के साथ ही तेज होता हुआ दिखाई दिया। एनर्जी पैक के अंदर भी मिला जुला असर था, बट नेचुरल गैस में काफी बड़ी उछाल हमने देखी, बट प्राइजेस 198 का लेवल नहीं तोड़ पाया था। क्रूड के अंदर भी हमने देखा प्राइजेस 0.25% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, बट एक तरफ हमने देखा लॉकडाउन के चलते डिमांड कंसर्न बनी हुई है, बट दूसरी जगह ओपेक प्लस ने क्लियरिटी दे दी है कि मई मंथ से हम धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आगे जाके प्राइजेस का ध्यान मंदा ही रहेगा। थोड़ा बहुत भी पुलबैक आए तो वहां पे बिच के ही काम करना है। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो पिछले हफ्ता काफी मिला जुला था, जहाँ पे कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में तो गिरावट देखी हमने, वहीं निकल और लेड में हमने स्लो एंड स्टडीली पॉजिटिव आते देखा। यूएस में हमने देखा कि $2 ट्रिलियन का जो राहत पैकेज की घोषणा हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, जिसका एक सपोर्ट बेस मेटल को मिलना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ मिल नहीं रहा है क्योंकि हॉलीडे मूड बना हुआ था। शुक्रवार को हमने देखा गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में ग्लोबल मार्केट बंद था और आज चाइना में भी मार्केट क्लोज है, जिसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेशन काफी कम था। एमसीएक्स बुलटेक्स की अब बात करें तो प्राइजेस फिर से 14,000 का लेवल रिगेन कर लिया है। 14,150 के ऊपर बने रहने से 14,250 से लेकर 300 तक के लेवल हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल सोने चांदी और एमसीएक्स बुलटेक्स में बाय ऑन ड्रॉप शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर दिस वीक। वहीं अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे के सेशन में हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही 1-1% की तेजी बनते हुए दिखाई दी। आज का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस जून वाला वायदा 45,000 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे, जो अपसाइड के अंदर 45,600 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी की क्लोजिंग करीबन 65,000 के ऊपर हुई थी, 65 के ऊपर मेंटेन होने पर 66,500 तक का लेवल देख पाएंगे। क्रूड में हमने देखा था कि प्राइसेस में लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश जरूर की थी, बट 4500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइसेस 4550 के ऊपर नहीं जाता है ट्रेंड वीक रहेगा, जो 4420 के लिए बेचा जा सकता है। नेचुरल गैस पिछले दो सेशन में हमने देखा 190 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा, ना ही 198 के ऊपर जा पा रहा है। अनलेस एंड अंटिल 190 का लेवल ब्रीच करे या 198 का लेवल ब्रीच नहीं करे, मार्केट रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। बेस मेटल के प्राइसेस में पिछले हफ्ते लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी की उम्मीद है। कॉपर पे ध्यान रखिए, अगर 680 के ऊपर निकल जाता तो 690 तक का भी लेवल ये हफ्ते में देखने मिल जाएगा। जिंक के लिए 220 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 220 के ऊपर निकलता है तो हम 222-223 का लेवल दिखा देंगे। निकल अप्रैल वायदे पे ध्यान रखिए, क्योंकि काफी टाइम से 1210 का लेवल नहीं ब्रीच किया, अगर 1210 का ऊपर निकल जाता है तो 1256 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। लेड एल्यूमिनियम साइडवे रहने की उम्मीद है। वहीं अगर हम एलएमई की बात करें तो एलएमई पे भी थिंग्स आर बीइंग स्लाइटली मिक्स्ड फॉर टुडे। आज चाइना मार्केट बंद होने की वजह से मार्केट एक सुस्त रेंज में ही ट्रेड करेंगे। इंटरनेशनल के अंदर गोल्ड 1720 का लेवल तोड़ के होल्ड कर चुका है, 1750 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड इन अ रेंज ऑफ 1720-1750। वहीं चांदी $25 का लेवल ब्रीच कर चुका है, बट जब तक 2580 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती या $26 के ऊपर नहीं आता है, मार्केट एक रेंज में रहेंगे। WTI ब्रांड क्रूड दोनों में ही गिरावट का रुख रहेगा। वहीं नेचुरल गैस में प्राइजेस में इंटरनेशनल में भी गिरावट है, बट 190 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे तोड़ने पे ही हम बिकवाली करेंगे। विक्स इंडेक्स में गिरावट है, जो इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। डॉलर इंडेक्स 93 के नीचे आ चुका है, जो प्राइजेस पे थोड़ा थोड़ा दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। आज अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो आज यूरोपियन मार्केट, चाइना मार्केट सब हॉलीडे है। यूएस की अगर बात करें तो सर्विस PMI के आंकड़े आने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री ऑर्डर्स के आंकड़े खराब आ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर में दबाव रह सकता है। चार्टी के लिए M6 बुलटेक्स क्लाउड के बाहर आने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अगर आज 14,200 के ऊपर प्राइजेस निकल जाता है तो 14,500 तक के भी लेवल हम M6 बुलटेक्स में जाते हुए देखेंगे। वहीं गोल्ड ने भी एक ब्रीच आउट अपसाइड का दे चुका है, 45,200 के ऊपर होल्ड होने पर और 200 डे मूविंग एवरेज पे होल्ड होने पर 45,750 तक का लेवल हम गोल्ड में